जौनपुर के अंदर, तो वहां यहां से वो बंगाल की तरफ बढ़ रहे थे, बंगाल को भी जीतना चाहते थे बाकायदा अकबर। हाँ, और उन्होंने वो जब देखा कि एक बुढ़िया थी वो बेचारी विलाप कर रही थी बड़े जोरों से, बोले क्या पता लगाओ क्या बात है, कह रहा मेरा एक बेटा उस तरफ गया हुआ है, हमारे जहांगीराबाद की तरफ जरा आया हुआ है, वो आया कल से लौटा नहीं, उसका जानवर वगैरह खा गए। अकबर को अंदर से खुदा मियाँ ने कहा कि हाँ कुछ हो जाना चाहिए, तो उन्होंने अपने से कहा, क्या नाम है, सेवा सालार से, कि यहाँ एक पुल का निर्माण करो, बनाओ जिससे कि लोग इस पार से उस पार आए और जाएं। किसी को उसने कहा हुजूरे आला, अच्छा उस वक्त वो लोग चला करते थे तो आगे आगे जो नाव बड़ी नाव चलती इसमें बादशाह चलता था और पीछे वाली नाव पर खजाना भी चलता था साथ में, कहा क्या खर्चा पड़ेगा क्या क्या होगा उसको कौन देखे वहां कौन देगा, तो वो उन्होंने कहा कि साथ जाता था इनके, तो उसने कहा बैरव हाँ हाँ बैरव, उसने कहा कि हुजूरे आला अगर ये पूरा नाव है पूरा उलट दिया जाएगा यहाँ पर तो फिर यहाँ बन नहीं सकता क्योंकि यहाँ भौरे बड़ी जबरदस्त हैं। तो अकबर ने कहा बैरव खां तुमको अब यहाँ रहना है और ये मस्जिद पुल बनवाना है बनवाने का, और तुम आज की तारीख से तुम दिल्ली की तरफ रुख नहीं करोगे और दिल्ली का खजाना पलट दो यहाँ पर, लेकिन बन के रहेगा और तब बन जाएगा तब तुम आना यहाँ। तो उन्होंने बनवाया अपने पुल, तो ऐसा पुल बना है जी। मैं आपसे क्या बताऊं, इतना लेवल का पुल है जी। और उसको आज तक हिल नहीं पाया, इतनी भूंडोल आए, इतनी बारिश हुई, इतना पानी बाढ़ आई, हिल नहीं सका, और लिखा है कयामत तक ये नहीं हिलेगा। अच्छा, उस पुल के पास दो मंदिर बहुत छोटे से है, एक शिव मंदिर और एक कहा जाता है कि हम्माम के पास काली मंदिर है जो कभी देखा नहीं किसी ने। हाँ। क्या वो काली मंदिर है भी वहाँ? काली मंदिर तो हमने नहीं देखा, बगल में किसी मोहल्ले में है एक काली मंदिर जी, लेकिन पुल के पास नहीं है। हाँ, पुल के पास जरा सा हट करके जी, वो ये शिव मंदिर जो है वो है, शिव मंदिर है, ये पुल है ना जी, पांच थक्का और दस थक्का। हाँ। पांच थक्का दस थक्का के बीच में पहले शिव मंदिर बनाया गया। हाँ। बना करके तब पांच थक्का बनाया। हाँ। तब दस थक्का बनाया। अच्छा। और वो मंदिर आज भी है, आज भी है। अच्छा, उसके हमाम के बारे में कुछ आपको जानकारी है? हनुमान जी जो जहाँ गुलर घाट के पास वो इस पार में जहाँ उत्तरी छोर पर वो जहाँ है वो हनुमान जी का मंदिर उसी जमाने का है, पुराना है, उस वक्त बना कि हमने ये नहीं कह सकते, लेकिन वहाँ है पुराना, आज भी स्थापित है।